अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 20। तो जो लेक्चर नंबर 20 है वो कंटिन्यूशन ही है फिजिकल साइंसेस के सेक्शन की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को। तो जी, डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर इज़ अ मोस्ट मिस्टीरियस नॉन इंटरेक्टिंग सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो मोस्ट मिस्टीरियस सब्सटेंस है यूनिवर्स में। डार्क मैटर इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स, ये ऐसे पार्टिकल्स पर कम्पोज है दैट डू नॉट अब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट और एमिट लाइट, जो ना तो लाइट को जज्ब करते हैं, ना रिफ्लेक्ट करते हैं, ना खुद ये लाइट एमिट करते हैं। सो दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ना ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ना रिफ्लेक्ट करते हैं, ना ये खुद लाइट एमिट करते हैं, तो इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। डार्क मैटर इज़ अ मटेरियल दैट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। तो डार्क मैटर जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड मोशन ऑफ क्लस्टर्स। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट डार्क मैटर आर कंपोज्ड ऑफ सच स्ट्रेंज पार्टिकल्स दैट मे बी फॉर्म्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ यूनिवर्स। तो जो डार्क मैटर है उसका बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है गैलेक्सीज की रोटेशन पर और मोशन ऑफ क्लस्टर्स पर। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि डार्क मैटर जो है वो ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल्स पर कंपोज है जो के बने थे इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ यूनिवर्स, जब यूनिवर्स वजूद में आया था। उस टाइम पर कुछ साइंटिस्ट जो हैं बिलीव करते हैं कि डार्क मैटर की पैदाइश हुई थी। अच्छा जी, डार्क एनर्जी को डिस्कस करते हैं। डार्क एनर्जी इज़ द हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ फोर्स दैट अपोजिस ग्रेविटी एंड इज थॉट टू बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। Distant galaxies appear to be moving away from us at high speed. The idea is that the universe is getting bigger and has been since the Big Bang. It is called dark because it must necessarily be very weakly interacting with regular matter. So dark energy is the properties of empty spaces. तो dark energy जो है वो एक hypothetical form of energy है जो के generate करती है ऐसी force को जो के gravity को भी oppose करती है, और इसको समझा जाता है द कॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो जब ये ग्रेविटी को अपोज करती है तो मींस जो हमारा यूनिवर्स है वो फिर दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जो ग्रेविटी है वो तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो जब ये खिंचाव की कुव्वत जो है, डार्क एनर्जी जो है वो ख़त्म कर देती है, तो फिर हमारा जो यूनिवर्स है वो फिर फैल रहा है। जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं इनको डार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेगुलर मैटर के साथ इंटरेक्ट जो है वो नहीं करती। तो जो हमारा यूनिवर्स है ये एक्सपेंड हो रहा है, हमसे जो गैलेक्सीज हैं वो दूर हो रही हैं, हाई स्पीड पे दूर हो रही हैं, और ये जो आइडिया है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो ये बिग बैंग के ज़माने से ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है और जो डार्क एनर्जी है वो किसी भी रेगुलर मैटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती, तो जो डार्क एनर्जी है वो प्रॉपर्टी है एम्प्टी स्पेसेस की। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है ये पूछ लिया जाता है। है तो ये बहुत आसान, डार्क मैटर को भी हमने डिस्कस किया और डार्क एनर्जी को भी हमने डिस्कस किया। तो अगर इसकी जो डायग्राम है वो आप बनाना चाहें तो ये सिंपल सी एक डायग्राम है, आप इजीली इसको बना सकते हैं कि जो यूनिवर्स है उसमें किस तरह एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। तो अभी तक हमें जो पता चला है, जो यूनिवर्स है उसमें डार्क एनर्जी की मिकदार जो है वो 69% है, और जो डार्क मैटर है वो 26% है, और जो नॉर्मल मैटर है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, तो वो जो नॉर्मल मैटर है वो है 5%।